नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक सिंपल सी बात है, मेंटेनेंस को लेके और तलाक को लेके अक्सर पति लोग परेशान रहते हैं। झूठा केस लग जाता है, पत्नी से दुखी हो जाते हैं और दुश्मन के जैसा उसका व्यवहार देखकर मेंटेनेंस देने का मन भी नहीं होता है। वरना कौन नहीं चाहेगा कि अपने परिवारजनों को खर्चा नहीं दिया जाए। और यहां तलाक को लेके भी एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि अक्सर एक डर बैठा दिया जाता है पतियों के अंदर कि भाई अगर तलाक हो गया तो फिर आपको मोटा पैसा देना पड़ेगा, उसके बगैर तलाक नहीं होगा। तो क्या इसका कोई समाधान है कि मेंटेनेंस से भी बचा जाए और तलाक से भी बड़ी आसानी से आप बाहर आ जाए? तो हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है, और आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। अगर आप इस तरह की चीजें नॉलेज और इकट्ठी करना चाहते हैं तो हम एजुकेशन चलाते हैं, एजुकेटेड करना चाहते हैं आप लोगों को। इसके लिए कोर्सेज होते हैं, क्रैश कोर्स होता है जो कि आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड वर्जन होता है। दूसरा मेन कोर्स होता है जिसमें मैं और मेरी टीम आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं, बकायदा पूरी गाइडलाइंस, पूरे सिस्टम, पूरी ट्रिक्स, पूरे प्रैक्टिकल थियरीज, सब चीजें आपको समझाई जाती है, जिससे कि आपकी राह आसान हो सके कोर्ट की इन केसेस के अंदर और आप कोई गलत ट्रैक पे ना जा पाए, सीधा अपना काम निशाने के तौर पर करें। ये सब इकट्ठा करने में आपको शायद एक लंबा टाइम लग सकता है, पर हमारे अनुभव से सिर्फ आपको करना ही है, ढूंढना टटोलना कुछ नहीं है, खोजना नहीं है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, बहुत सुखद स्थिति में, कॉन्फिडेंट है, अपना केस खुद भी लड़ रहे हैं या फिर हाँ अपने वकील के थ्रू भी लड़ रहे हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के साथ लड़ रहे हैं, या फिर जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ लोग अपने केसेस से बाहर भी आ चुके हैं। तो अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और फिर बात ज्वाइन कीजिए। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या का समाधान मुझसे चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए, इसी नंबर पे दिए हुए टाइम पर आपको कॉल आएगी। देखिए दोस्तों, अक्सर लोग इन दो चीजों को एक दूसरे का दुश्मन मानते हैं, किसको, मेंटेनेंस को और तलाक को, जबकि ये एक दूसरे को फायदा देते हैं। कैसे? देखिए, मेंटेनेंस नहीं लगा है एक बार इस तरह से समझेंगे, और मेंटेनेंस लग गया है एक बार उस तरह से समझेंगे। तो मेंटेनेंस अगर आप पर नहीं लगा है तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि उन्हें पता होता है कि बीवी झूठ बोल रही है, उनके पत्नी के बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन भी होते हैं। अब क्योंकि वहां पर एक फॉल्टी कॉग्निजेंस, संज्ञान जो है वो गलत ले लिया गया है मजिस्ट्रेट या जज साहब द्वारा किसी भी मेंटेनेंस केस में आपके खिलाफ। अब क्योंकि गलत ले लिया गया है जिसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ है, आप उन्हें बताते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं गलत बोल रही है, सबूत भी दे रहे हैं, वो इस बात पे अड़ जाते हैं कि हम फैसला तो पत्नी के हक में करेंगे, गलती तो हो गई है। अब इस सूरत में आप जब यहां पर इतनी हाथ पैर चला रहे हैं, इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी ही गलती मानी जाएगी। आपको तुरंत मेंटेनेंस लगने से पहले पहले एक रेड अलर्ट दिखने लग जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, मैंने बहुत प्रयास करके देख लिया, आपने जितने ऑब्जेक्शन लगाने थे, जितने अपने एविडेंस देने थे दे दीजिए, बिल्कुल अभी तक नहीं दिए तो भी दे दीजिए, और एक दो डेट के बाद तुरंत इसको हाई कोर्ट में ले जाकर, सबसे पहले बात सुनिएगा, इसको सिर्फ हाई कोर्ट ले जाकर क्वेश्चन नहीं कराना है, भूल जाइए एक बार क्वेश्चन को, मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं वो सुनिए, इसमें तुरंत स्टे लीजिए, कोई मेंटेनेंस केस हो उसमें तुरंत स्टे लीजिए। केस में मैरिट्स की बात कीजिएगा, मेंटेनेंस खत्म कराने की बात मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। मेंटेनेंस के अंदर जो फैक्ट्स और फिगर्स डाले गए हैं केस के अंदर मेंटेनेंस लेने के लिए, उनको चैलेंज कीजिएगा कि ये मैरिट्स गलत है, यानी कि ये जो बातें और तथ्य कही गई हैं गलत है, ऑटोमेटिकली केस खत्म, तो मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा, केस ही खत्म हो जाएगा तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, इसलिए केस खत्म कराइए, मेंटेनेंस नहीं, केस खत्म तो मेंटेनेंस खत्म। जनरली इस इंटेंशन से जाते हैं तब लगता है कि पति क्रूर है, पत्नी को अपनी पैसा नहीं देना चाहता। सेम ये चीज आपके मेंटेनेंस लगने के बाद भी आप कर सकते हैं, ये की ही चीज आप मेंटेनेंस लगने के बाद भी कर सकते हैं कि चैलेंज कर दीजिए कि मैरिट्स पे नहीं हुआ और मैरिट्स को डिसाइड कराने चला जाइए। अब मैं जो कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आप क्वेश्चन को एक बार भूल जाइए, वो तो लंबा प्रोसेस है, सबसे पहले स्टे ले लीजिए, स्टे के लिए जान लगा दीजिए अपनी, जैसे हाईकोर्ट में आपकी एप्लीकेशन लगती है सबसे पहले स्टे लीजिए और मीडिएशन मत लीजिएगा। कई बार मैंने देखा है यूपी के अंदर अक्सर हाई कोर्ट्स के अंदर ये दबाव बनाया जाता है और वर्बल स्टेटमेंट ऑर्डर पे नहीं, वर्बल स्टेटमेंट कि पहले मीडिएशन लो और पत्नी को 50,000-40,000 रुपए दो, तो बिल्कुल मत लीजिएगा। आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं और ना ही मैं मीडिएशन करना चाहता हूँ, मुझे क्वेश्चन करा के दीजिए, उसमें थोड़ी ब्लैकमेलिंग भी चलती है, कई बार कह देते हैं
कि नहीं साहब आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम आपके केस को लंबी लिस्टिंग में डाल देंगे, पास ओवर्स में जाएगा, नंबर लेट आएगा, सब चीज फेस कर लीजिए, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, स्टे चाहिए। आप तुरंत स्टे पे फोकस कीजिए। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि हाई कोर्ट में जो अधिकारी होते हैं जो आपकी फाइलिंग लेते हैं केस की, वो अक्सर इसमें गड़बड़ कर देते हैं। वो कहते हैं मिल जाएगा, बाद में कर लेना, अभी तो आप ट्रायल में तो जाओ, सॉरी क्वेश्चनिंग में तो जाइए। ये गलती मत कीजिएगा। आपको तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाकर ऑर्डर करा के लाना है कि मुझे स्टे नहीं मिल रहा है, स्टे कर लीजिए। एक दिन की हियरिंग होती है, घबराइए मत, और आप खुद जाकर बहस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सर भाई छोटी सी एप्लीकेशन बना के बता दीजिए कि ऐसे स्टे हो गया, रिलैक्स हो जाइए। अब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस आपकी वाइफ ने पहले आपके 125 डीवी जो भी केस है उसके अंदर डाल रखे, अब आप हाथों हाथ नीचे तलाक डाल दीजिए, अब अटके रहने दीजिए उसके मेंटेनेंस, क्योंकि मेंटेनेंस तब तक नहीं मिलेगा जब तक वहां से कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता है। उसमें लग जाते हैं 6 महीने 2 साल। फिलहाल आप नीचे मेंटेनेंस के केस को लगाइए HMA 21B के आधार पे। HMA 21B क्या होता है, इसके अंदर कोई भी हिंदू मैरिज एक्ट का केस, यानी कि जैसे सेक्शन 9 है आपका, डाइवोर्स अथॉरिटी नहीं का कोई भी केस, हमेशा 6 महीने के अंदर डिस्पोज करना मैंडेट है। इस एप्लीकेशन के साथ लगाइएगा, जिससे कि कल को आप मान लीजिए 4 महीने 5 महीने के स्टेज पे पहुंच जाए, तब आप हाईकोर्ट तुरंत जाकर, अगर आपको लगता है कि अभी भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है, तो तुरंत जाके अर्ली डिस्पोजल की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें फास्ट हियरिंग होकर आपका केस तुरंत खारिज हो जाएगा, यानी कि फारिग हो जाएगा। यानी कि होगा क्या, इस पूरे मैटर के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप अपने सारे तथ्य जमा कर सही तरीके से कर सकते हैं, और कोर्ट पे शुरू से इस बात का प्रेशर बना के चलिए कि मैंने 21B की एप्लीकेशन लगा रखी है, तुरंत इसको फारिग कीजिए, तुरंत इसको फ्री कीजिए, केस को जल्दी जल्दी निकालिए। तो हर डेट एक दो डेट के बाद आपको ये एप्लीकेशन लगानी है, तो ये कोर्ट पे प्रेशर रहेगा और इसको मानना पड़ता है कोर्ट को। दिमाग ठंडा रखिए। अगर ऐसा करते हैं तो तलाक से अब फायदा क्या होगा, देखिए तलाक क्रूअल्टी बेस्ड होगा तो उसके अंदर ये फायदा मिलता है कि क्रूअल्टी के ग्राउंड्स पे आपको फ्री किया गया है, पत्नी झूठ बोलकर कोर्ट में आई है, केस लगाया है, तो ये काउंटर केस की तरह काम करेगा अब, क्योंकि ऑलरेडी मेंटेनेंस भी आपका एक तरीके से जस्टिफिकेशन पे चल रहा है कि हाँ ये मेंटेनेंस दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसलिए कोर्ट ने क्वेश्चन लिया आपने। आप नीचे क्या कर रहे हैं, आप वो जो चीजें ऊपर बतानी है वो यहां पर अपने ऊपर क्रूअल्टी के आधार पर ले रहे हैं, और इस आधार पर आपकी बीवी को मेंटेनेंस नहीं मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बशर्ते कि आप इसमें दम लगा के लड़े, आपने कोर्ट को पूरा फैक्ट्स और फिगर्स बताए और प्रॉपर तरीके से लड़े। HMA 24 भी ना लगने दें, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि या तो ये साबित करेगी इसके साथ ही सब कुछ हुआ है, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। देखिए दोस्तों ये एक वीडियो है, इसमें प्रोसेस जब सुनते हैं तो लगता है बोलना बहुत आसान है, करना भी आसान है। या तो अगर आप इन्वॉल्व होते हैं केस में, इस पूरे कंटेंट को समझ के खुद पढ़ते हैं देखते हैं तो ठीक है, वरना आप हमसे जुड़िए और यही चीज हम आपको सत्यापित करके दिखाएंगे कि हाँ ऐसा होता है, हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेंटेनेंस देना जरूरी है या तलाक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब तक केस लड़ोगे, अपनी जिंदगी भी तो जियो। थैंक यू।